Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Punisher for Competitive Examinations and Abuse. तो इस particular session में हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या एक तरीके से क्या strategy आपको एक लेनी चाहिए अपना paper attempt करते time, और इसके अलावा जो important instructions हैं, काफी बच्चे इसमें confused हैं। देखो एक बात समझो, आपको कभी भी कोई भी एग्जाम देने जाओ ना, उसके नीचे जो instructions वाला पेज होता है उसे हमेशा आराम से कम 10 to 15 मिनट लो उसे पढ़ने में, ठीक है। सुकून से बैठो, उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ा करो। बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको लेकर के जानी है डॉक्यूमेंट्स। पहले इस पे ही बात कर लेते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कौन सी डेट पे कौन सा एग्जाम है, आपका एडमिट कार्ड वगैरह आ ही गया होगा। पहली बात तो यार ये है कि आपका रिपोर्टिंग टाइम 7 AM है, तो आप ये मत सोचना कि क्लोज तो 8 AM को हो रहा है, मैं इसके बीच में पहुंच ही जाऊंगा। कोशिश करना कि आप एग्जाम सेंटर पे 7 AM को ही पहुंच जाओ, ठीक है। उससे पहले पहुंच जाओ 10-15 मिनट, वेल एंड गुड, ठीक है। बट 7 AM तक पहुंच जाना और अपनी एंट्री 7:30 तक कर लेना। इससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम सेंटर के अंदर बैठोगे, जो भी आपकी पर्टिकुलर सीट है, तो आप थोड़ा सा एक फैमिलियरिटी आती है। मैं तो हमेशा, मेरा कभी भी एग्जाम होता था ना, तो मैं जाके बैठ जाता था अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, हेड डाउन करके बैठ जाओ आप भले उसमें अंदर जाके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका एक काइंड ऑफ क्या हो जाता है कि थोड़ी सी एक क्या बोलते हैं उसको, फैमिलियरिटी टाइप आ जाती है, ठीक है। ये चीज है। तो ये आपका पहला वाला शिफ्ट का है, दूसरे वाले शिफ्ट का आपका 11 AM को रहेगी, देन तीसरे वाली शिफ्ट आपकी 3 PM को है। दूसरी बात की अगर आप जा रहे हो सुबह, तो जूस जरूर पी लेना, ठीक है। जूस पी लेना, अगर आपसे खाना नहीं खाया जा रहा है दैट्स ओके, कोई बात नहीं, बट जूस वगैरह जरूर पी के जाना, ठीक है। बॉटल वाला मत पीना जूस, जो फ्रेश जूस मिलता है वो अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिल पाता है तो बॉटल का कुछ जो आपका रियल का आता है वो देख लेना। बट स्टिल कुछ और कुछ भी, तेल वगैरह का मत खाना, ये सब तो मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप छोटे भाई बहन जैसे लगते हो तो बता देता हूँ, ठीक है। तो 11 AM को ये रहेगा, देन आपका 3 PM को है, और बहुत ज्यादा खाके मत जाना, कोई आपकी कोई भी शिफ्ट हो बहुत ज्यादा मत खाके जाना है, ठीक है। खैर कुछ बच्चे बहुत पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनको बता रहा हूँ, नहीं तो आप सोचोगे सर इतनी छोटी छोटी बातें ये बता रहे हो। और लेकर के क्या क्या जाना है, पहली बात आपको प्रिंटेड कॉपी ले जानी है ई एडमिट कार्ड की। इसे आप ब्लैक एंड व्हाइट में ले जाओ, आप इसे कलर्ड में ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छी कंडीशन में लेके जाना है, ठीक। और हाँ, इसके साथ में जो आपको कोविड का डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है ना, उसे निकलवा के अपना फिल करके लेकर के जाना, ठीक है, कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म को। देन आपका जो फेस मास्क है, फेस मास्क आपको लेके जाना है, और फेस मास्क ना आप वैसा लेके जाना जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर क्लिनिकल वाले में कंफर्टेबल हो ना तो वही ले जाना, ऐसा मत ले जाना कोई भारी भरकम सा मास्क जिसमें आप कंफर्टेबल ही ना हो पाओ, या फिर न्यू लेके जाओ। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसे लगाते रहे हो, उसको ही लेकर के जाना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। देन हैंड ग्लव्स आपको लेकर के चले जाना, ठीक है, जो वैसे वाले आते हैं ना, क्लिनिकल वाले आते हैं पतले पतले से, या फिर जो प्लास्टिक वाले आते हैं ना वो भी लेके चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन आपको ट्रांसपेरेंट ब्लू बॉल पेन लेके जाना है, तो अपना ले जाना ब्लू बॉल पेन। और आपको वाटर बॉटल लेके जानी है ट्रांसपेरेंट, तो कोई भी आप छोटी सी आती है जो 500 ml की, या फिर आप 1 लीटर की लेके जाना चाहो लेके चले जाना। वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसका कवर निकाल देना, वो भी ट्रांसपेरेंट। और आपको ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है, पता ही होगा आपको। और हैंड सैनिटाइजर आपको लेके जाना है, इसे नहीं भी लेके जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल ले जाना, आपकी सेफ्टी फर्स्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जा सकते हो ये ध्यान से देख लो कि आप यहाँ पे फोटो आईडी कार्ड आपको लेके जाना है जो गवर्नमेंट ने इश्यू किया हुआ है, यानी कि आप इसमें वोटर आई कार्ड ले सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड। एक बात याद रखना, अगर आपके आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके फादर का नेम नहीं है, या फिर आपका पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, तो उसके साथ में आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या होता है, आपका 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी फोटो लगी होती है ना, जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनका कुछ अलग से सर्टिफिकेट मिलता है, CBSE में तो एक ही मिलता है, तो वो ले जाना, ठीक है। याद रखना इस चीज को, अगर आपको इसमें आधार कार्ड में आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है और आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आप 10th का सर्टिफिकेट जरूर ले जाए, है ना। और पैन कार्ड आपको लेके जाना है, अगर आपके पास है पैन कार्ड तो पैन कार्ड ले जाओ, वो और भी बढ़िया है, तो ये आप लेके जाएं। और बाकी वोटर आई कार्ड, तो अगर ये दोनों है आपके पास तो ये दोनों ही ले जाओ, आधार कार्ड पैन कार्ड, और किसी की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट में कोई इश्यू है, आपका नाम पूरा नहीं है, तो याद रखना 10th का सर्टिफिकेट ले जाना, बिल्कुल मत भूलना, और ये आपको ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। कैसा लेके जाना है, ओरिजिनल। अब आते हैं, ये आपका डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम खत्म हो गई ना, फोटोग्राफ आपको लेके जानी है। ये देखो यहाँ पे ध्यान से, आपको फोटोग्राफ कितनी लेके जानी है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ध्यान से लेकर के जाना है, ठीक है। और ये फोटोग्राफ उन लोगों के लिए तो बिल्कुल मस्ट ही है जिनका एडमिट कार्ड में क्या है, फोटोग्राफ नहीं है। जिनके एडमिट कार्ड में आपने देखा होगा कई सारे बच्चों के में क्या हुआ है,
कि उनका सिग्नेचर आ गया, ठीक है, उनका यहाँ पे कुछ जो डॉक्यूमेंट लगाया था वो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट आ गया, उनकी फोटो नहीं आई है, तो उनको तो फोटोग्राफ लेके जाना ही जाना है एनी हाउ, ठीक है। और क्या होता है ना, अक्सर अगर आपका जो कलर्ड वाला ई एडमिट कार्ड रहता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत उन्हें होती है, तो वो क्या करते हैं आपसे एक फोटो लाने को बोलते हैं अलग से, ठीक है। तो ये बात है। और क्या बोला गया है, कैंडिडेट्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी लेजिबली प्रिंटेड एंड विजिबल ऑन फोटो आईडी कार्ड, यानी कि आपका सिग्नेचर और फोटोग्राफ जो है वो आई कार्ड में आपका विजिबल होना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि टेंथ का आप यहाँ पे क्या ले जाओ, सर्टिफिकेट ले जाओ साथ में, ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में। ये हो गया, और तो सब आपको पता ही है, कुछ खास इसमें और है नहीं। डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से लेकर के जाना, 120 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 4 एमसीक्यूज होंगे, और याद रखना नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की है, तो नेगेटिव नहीं करना है। इसके बारे में बात करते हैं क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए। तो बस यही है यार, ये सब तो मैंने आपको बताई दिया। रफ शीट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी रफ वर्क के लिए, और हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्जाम होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका एग्जाम पेपर, आपने पहले जो आप लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे अंदर जाने से, यानी कि जब आप एंटर करोगे ना उसमें अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे, तो उसके बाद आपको क्या होगा कि एक लैंग्वेज का ऑप्शन होगा, आप उसमें इंग्लिश हिंदी जो भी सिलेक्ट करोगे उसमें पूरा पेपर आएगा। बीच में आप अप डाउन करके हिंदी इंग्लिश में स्विच कर सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया, और आपका यूजर आईडी और एडमिट कार्ड आपको वहीं पे कैंडिडेट को 10 मिनट पहले मिलेंगे, उनके सेंटर पे उनकी सीट पे मिल जाएगा, तो उसके लिए परेशान मत होना। और डेमो मॉक टेस्ट के नाम पे तो इन्होंने आपके साथ धोखा किया हुआ है, कोई बात नहीं। देन आते हैं और आगे, कोई ट्रैवल एक्सपेंसेस नहीं, ठीक है, बस यही सब है आपका, और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आपका एक काम और करना, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड मिला है उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस खुद से पढ़ लेना अभी भी, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग, COVID-19 के बारे में है ये सारा का सारा, फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, ये सब आपको लेके जाना है। ब्लू बॉल पॉइंट अपना याद रखना, ब्लू बॉल पॉइंट पेन अपना लेके जाना, और एक वाटर बॉटल लेके जाना, एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेके जाने ही है, तो ये सब मैंने आपको बता ही दिया। मैंडेटरी आपके लिए क्या है, या ये ध्यान से देखो यहाँ पे आपका क्या है कि अगर आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, अगर नहीं है ना तो अगर है भी तब भी आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन फॉर्म तो अपना भर के जाना ही जाना है, ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म जरूर भर के ले जाना, अगर जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। बस यही सब है, टेम्परेचर आपका चेक किया जाएगा, ये वो ब्लाइंड ब्ला, तो ये सब चीजें हो गई, ठीक है। ये आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप्स हैं, तो खैर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एग्जाम जब भी आपका स्टार्ट होगा तो सबसे पहली बात कि आपको वहां पे क्या रहना है, बिल्कुल काम रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो खुश मत होना ज्यादा, अगर स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपको लगातार आ जाते हैं ना तो आपके अंदर कुछ ज्यादा ही खुशी आ जाती है, वो खुशी बहुत ज्यादा मत आने देना। अगर स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं, बहुत टफ है, तब भी बहुत दुखी मत होना, ठीक है ना, ना सैड होना है ना हैप्पी होना है, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखना, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके ऊपर ज्यादा टाइम मत लगाना। स्टार्टिंग में आपका मैथ्स का सेक्शन हो गया, रीजनिंग का सेक्शन हो गया, और कोशिश करना जिन बच्चों को मैथ्स वगैरह आती है वो मैथ का सेक्शन 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लो, और जिन बच्चों को मैथ में थोड़ा इश्यू है वो कम से कम 40 मिनट्स में तो यार कर ही लो एनी हाउ, ठीक है। और 40 मिनट्स आप दो मैथ्स पे, देन आपका रीजनिंग पे भी आपको उसी हिसाब से टाइम देना है कि चलो 20 मिनट्स में तो एनी हाउ हो ही जाएगी। बाकी के टाइम में आपको अगले 40 मिनट्स में देखो जनरल साइंस हो गया आपका, CRM हो गया, मार्केटिंग हो गया, तो इन सब में तो अगर आपको आता है, आपने पढ़ा है माइंड में, तो सीधा क्लिक करके आपका होते जाएगा आगे, ठीक है, जनरल अवेयरनेस हो गया, तो ये सब आप निपटा के ये अपने साथ में 20 मिनट्स हैंडी में लेके चलना, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है, किसी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा मत उलझ जाना कि ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, उलझेंगे बट 100 मिनट्स के बाद में, ठीक है ना। 100 मिनट्स में एटलीस्ट आपको उस पूरे पेपर से 2 times होके निकल जाना है, कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो इजी था और मैं कर भी सकता था, वो नहीं छूटना चाहिए, पहली प्रायोरिटी आपकी ये होगी। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहा फिर उन पे जाओ आप, लास्ट के 20-25 मिनट बचाओ अपने और उलझो उनसे, उलझो। आपको अगर यहाँ पे फिर क्या होगा, एलिमिनेशन काम करेगा, 2 options एलिमिनेट हो रहा है। देखो क्या है कि अगर आप यहाँ पे एक 75 क्वेश्चंस आपको पूरा यहाँ पे भरोसा जब हो जाए कि 75 मेरे सॉलिड क्वेश्चन हो गए, इससे ज्यादा गलत नहीं होगा, तब जाके आप एलिमिनेशन वाला खेल खेल सकते हो, 78 समझ लो इसको, ठीक है, 75 to 78, फिर एलिमिनेशन में चले जाना। अगर 2 options आपके गलत हो रहे हैं, बाकी के 2 में आप यहाँ पे थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हो चीजों को अगर आपने समझा हुआ है तो, ये काम बट बाद में, ये जब आप ये टाइम बचा पाओगे 20-25 मिनट तभी आप ये वाला खेल खेल पाओगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना, पहले आपको जो आता है, ये नहीं कि अगर स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो भाई वहीं पे बैठे आ रहे आप, क्या हो गया पूरा पेपर बर्बाद, भाई बाकी के 110 क्वेश्चन भी होते हैं आगे, ठीक है। हो सकता है आपको सीरीज में 2-3 क्वेश्चन में मैथ के आप गलत कर दो उनको, फिर आपको पसीने आने लग जाएंगे, तो मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीजें पहले से ही, अगर आप यहाँ पे फंस गए
तो उसी टाइम सारे सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये सब नहीं करना है, याद रखना मेरी बातें। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है उसे वहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, लास्ट में आना है उसके ऊपर टाइम बचा के। अभी नहीं लड़ना ऐसे क्वेश्चन से, पहले वो क्वेश्चन तो एनी हाउ अटेम्प्ट कर लेने हैं जिनसे आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक, समझ में आती है क्या मेरी बात, सबको क्लैरिफाइड है? तो आराम से आप 75 to 80 तो आपको आ जाएंगे अगर आपने बढ़िया से पढ़ा हुआ है, इतनी टेंशन मत लो। ऑल राइट, तो बस ये चीजें हैं, आपको पेपर का एक रफ आइडिया पता चल गया होगा। एंड बस यार, अब देखो हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली है, आपको बेहतर से बेहतर चीज प्रोवाइड कराई गई है और आई होप आपको उसका फायदा भी मिला होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बताना एक बार कैसे क्या रहा, एंड इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी। ठीक है ना, वंडरफुल एंड अमेजिंग जर्नी विद ऑल ऑफ यू गाइज, और आई एम रियली हैप्पी, और बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारा प्यार एंड विशेस मिले हैं आपकी तरफ से, तो आई एम रियली ग्लैड टू हैव ऑल ऑफ दैट। एंड बहुत सारी चीजें आई होप आपको भी सीखने को मिली होंगी, एंड क्या कैसा क्या आपका रहा सफर एक बार कमेंट करके बता देना। ठीक है, एंड और भी आगे आने वाले टाइम में देखते हैं, अभी तो थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करने की हमने कोशिश की है और उसके बीच में भी यार बहुत दिक्कतें आई, तो अपोजिंग फोर्स भी लगता है, बट कोई नहीं, और इसे बड़े स्तर पे लेके जाएंगे और चीजें करेंगे। ठीक है, कोई नहीं, तो ये सब है और भी, मुझे जैसे ही चीजें, अभी तो मैं थोड़ा सा रेस्ट ही करूंगा, उसके बाद आपको फिर अगेन क्या करते हैं और अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। अभी ना बहुत सारा यार, अभी बहुत सारा ज्ञान है जो आपको देना है, तो करते हैं धीमे धीमे, देते हैं वो सब चीजें भी है। अच्छा एक बार ये बताना, अभी आपका कौन सा एग्जामिनेशन आने वाला है? ठीक है, उस एग्जामिनेशन को और फोड़ेंगे आने वाले टाइम में। एंड आई होप आपने अभी तक जो हम आपस में जुड़े रहे हैं उसमें आपने इस जर्नी में काफी चीजें सीखी होंगी, क्या सीखा, कैसा क्या रहा, एक बार बताना जरूर। ठीक है, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो बस अच्छे से पेपर देने जाओ, बहुत ही मोटिवेटेड होके जाना है, अब आपको कुछ नहीं सोचना। कल तो जो सिग्नल वाले हैं उनका है पेपर्स SNT वाले डिपार्टमेंट का, देन आपका 28th से OPNPT वालों का, तो टेंशन मत लेना। अच्छा एक काम करना, जिनका एग्जाम होता है अपना रिव्यू एक बार भेज देना, मेल आईडी है आपकी पेनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, नहीं पेनेशिया सक्सेस, ठीक है ना, PanaciaSuccess@gmail.com। इस पे आप क्या करोगे, मेल कर देना, आपको अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह याद रह जाते हैं, इससे हम एक आइडिया लगा पाएंगे किस जगह आपके क्वेश्चंस जा रहे हैं। इवन जो फर्स्ट डे 27th वाले बच्चे हैं वो भी बताना मैथ्स का, रीजनिंग का, और आपके GK का कैसा आपका सेक्शन आ रहा है, तो नॉन टेक का एक बार आइडिया लगेगा। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, एंड बस यार विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सारी की सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। ये 2 मिनट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप रिजल्ट अच्छा करके आओ, कुछ भी अच्छा करके आओ, 2 मिनट फाइट, ये 2 आवर आप क्या करके आओ, फाइट करके आओ, जस्ट गिव योर बेस्ट, अपनी लाइफ टाइम का 100% इसमें आप दे दो। ये 2 घंटे में आपको सारी प्रॉब्लम, आपकी जितनी चिंता परेशानी है जो भी है सारी साइड रख देना, कुछ मत सोचना, ये 2 घंटे बहुत अच्छे से लड़के आओ, एंड पिज्जा तो आपका वेट कर ही रहा है। ठीक है, जिसके भी मार्क्स आते हैं चलो 95 का क्राइटेरिया हटा के 90 कर देते हैं, जिसके भी 90 के ऊपर आएंगे उसको पिज्जा मेरी तरफ से। ठीक है, तो बस ये करके आओ, एंड बस फिर मिलते हैं और भी अदर चीजों पे, एंड मैं आपको जो भी नॉलेज वगैरह है वो धीमे धीमे देता रहूंगा, एंड बस यार बस यही है, और तो वर्ड्स भी नहीं आ रहे हैं, बट आई एम फीलिंग रियली अमेजिंग कि आप जैसे इतने प्यारे प्यारे बच्चे मुझे मिले, इतने प्यारे भाई बहन मिले, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस मच लव। बाय बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच।